उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनावों के लिए अपना नामांकन फाइल करने पहुंची समाजवादी पार्टी की महिला नेता और उनकी समर्थक के साथ बस सुलूकी होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए लखीमपुर थाने के सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। योगी सरकार ने सभी पुलिसकर्मियों के निलंबन का यह फैसला समाजवादी महिला नेता और उसकी समर्थक के साथ हुई बस सुलूकी के मद्देनजर किया है। समाजवादी की महिला नेता ब्लॉक पंचायत कैंडिडेट के तौर पर अपना नॉमिनेशन भरने आई थी, लेकिन नॉमिनेशन सेंटर पर कुछ लोगों ने उनके साथ और उनकी महिला समर्थक के साथ बस सुलूकी की और उनकी साड़ी भी खींची। महिलाओं के साथ खींचतान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि समाजवादी महिला नेता पर हमला किया गया, खुलेआम उनके कंधे से साड़ी खींची गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पहचान यश वर्मा के रूप में हुई है, वहीं अन्य लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। महिला नेता रितु सिंह ने स्थानीय भारतीय जनता पार्टी नेता और उसकी समर्थक अनीता के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप लगाया, जो उसके नामांकन का समर्थन करने के लिए वहां मौजूद थी। बताया जा रहा है कि नामांकन दाखिल करने के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के उम्मीदवारों और समर्थकों के बीच कथित तौर पर झड़पें हुई। फिर कुछ स्थानीय भारतीय जनता पार्टी समर्थकों ने समाजवादी उम्मीदवार रितु सिंह के समर्थक के साथ दुर्व्यवहार और उसको परेशान किया। घटना की सूचना उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को मिली तो उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही महिला को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देने पर पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि वे घटना की जांच कर रहे हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बना लिया है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी नेताओं के कार्यकर्ताओं द्वारा अराजकता और हिंसा किया जाना लोकतंत्र का उपहास है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लोग सरेआम लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और पुलिस प्रशासन लोकतंत्र की हत्या के समय मूक दर्शक बन तमाशा देख रही है। अखिलेश ने कहा कि सिद्धार्थनगर के इटावा ब्लॉक के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ भी दुर्व्यवहार, उनकी गाड़ी को तोड़ा जाना निंदनीय है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि पहले हाथरस की बेटी और अब लखीमपुर खीरी की बहन के साथ हुआ अत्याचार जनता देख रही है। रामायण साक्षी रही है और महाभारत गवाह है। जो नारी का अपमान करते हैं उनको इस देश के लोग ना कभी माफ किया है और ना ही कभी करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रशासनिक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की भूमिका में है। यह लोकतांत्रिक प्रणाली को दूषित करने का कृत्य है। जनता में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भारी जनाक्रोश है और वह 2022 में विधानसभा के चुनावों में जनता पूरा हिसाब किताब करेगी। ब्लॉक प्रमुख चुनावों के नतीजे आज शाम को ही आ जाएंगे। सभी पार्टियां इसको विधानसभा चुनावों से पहले का सेमीफाइनल मान रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।